नाम नबीहा कमर है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है अंगूठा चूसने वाला। सुभान अपने वालदैन का अकलौता बेटा था। सब घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी बात बात पर रोने की आदत की वजह से सब बेहद परेशान थे, खास तौर पर उसकी अम्मी। वो आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा रोता था और एक बार जो रोना शुरू करता तो रोता ही रहता था। एक दिन सुभान की अम्मी की सहेली उनसे मिलने आई। उनके साथ उनके 2 साल का बेटा भी था। उनका बेटा बहुत प्यारा, गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी खाकी आंखें और होठों पर मासूमाना मुस्कुराहट। लेकिन उसकी भी बहुत ही अजीब आदत थी, वो बार बार अपने सीधे हाथ का अंगूठा चूसता रहता था। सुभान को वो बच्चा बहुत अच्छा लगा। वो जब तक उसके साथ रहा सुभान बिल्कुल भी ना रोया। उस बच्चे को देखकर सुभान ने भी अपना अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। पहले पहल तो सुभान की अम्मी को ये बड़ा अजीब लगा। वो बार बार उसे मुंह में अंगूठा लेने से रोकती रही, लेकिन जब अंगूठा चूसने की वजह से उसका रोना कम हो गया तो घर वालों ने सुख का सांस लिया। रफ्तार रफ्तार सुभान का अंगूठा चूसने की आदत पक्की हो गई। वो जब भी फारिग होता अपना अंगूठा चूसने लगता। सुभान अब तुम बड़े हो गए हो, अब अंगूठा चूसना छोड़ दो वरना सब तुम पर हंसेंगे, और वैसे भी ये कोई अच्छी आदत तो नहीं, उसकी अम्मी ने उसे बड़े प्यार से समझाया। जी अम्मी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब ही ना हो सकी। शायद वो दिल से ये आदत छोड़ना ही नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में बारिश की वजह से असाचा बहुत कम आए तो सब बच्चे फारिग बैठे थे। फारिग बैठने की वजह से सुभान को नींद आने लगी और बेख्याली में उसने अपना अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। सब बच्चे उसे देखकर हैरान हुए, फिर सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सुभान सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने आप से अहद किया कि वो ये आदत हमेशा के लिए छोड़ देगा। सुभान ने घर आकर अम्मी को मुखातिब करते हुए कहा, अम्मी ये अंगूठा चूसने की आदत खत्म करना चाहता हूँ, आप इसमें मेरी मदद करेंगी? हाँ क्यों नहीं बेटा, अम्मी ने खुश होकर कहा। फिर तो सुभान की अम्मी ने उसे बुरी आदत को खत्म करवाने के लिए सुभान के अंगूठे पर लहसुन का अर्क लगा दिया और कुछ दिन तक वो मुसलसल लगाती रही। जैसे ही सुभान मुंह में अंगूठा लेता उसको एक गंदा सजाए का महसूस होता और फौरन मुझसे अंगूठा निकाल देता। इसी तरह उसकी बुरी आदत खत्म हो गई। देखा साथियों, अगर हम किसी बुरी आदत को खत्म करने के लिए अहद करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ देंगे।